आपका स्वागत है। सुमेरपुर को जिला बनाने को लेकर क्या क्या गतिविधियां की जा रही है? सुमेरपुर को जिला बनाने के लिए पिछले कई वर्षों से ये मांग चल रही है, उसके तहत अलग अलग समय में अलग अलग राजनेताओं को और मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दिए गए कि सुमेरपुर में मूलभूत आधार होते हुए भी उसको जिला बनाया नहीं जाता है। पिछले कुछ समय पहले राजस्थान में 19 जिलों की माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने घोषणा की और उसमें सुमेरपुर को जिला घोषित नहीं किया गया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश हुआ और जन जन की भावनाओं को आहत पहुंची और उन्होंने जन भावनाओं को लेकर अलग अलग जगह ज्ञापन दिए और ज्ञापन देने के बाद आज जन आंदोलन को और उग्र करने के लिए शाम को 6 बजे बैरू चौक से लेकर गांधी मूर्ति तक मशाल जुलूस का आयोजन रखा है, जिससे सभी सुमेरपुर के प्रभुत्व नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं और अन्य व्यक्तियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि शाम को 6 बजे बैरू चौक पर पधारें और सुमेरपुर को जिला बनाने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। महेंद्र जी, ये जो मशाल रैली निकाली जाएगी, इसमें किन किन संस्थाओं से अभी तक आपकी मुलाकात हुई है और कितने लोगों ने समर्थन दिया है? लगभग सुमेरपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर सुमेरपुर जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में आज शाम को जो 6 बजे मशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुमेरपुर के सारे प्रबुद्धजन, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी, व्यापारी बंधु, किसान बंधु, मजदूर वर्ग, हर वर्ग के तबकों का हमें संघर्ष समिति को भरपूर सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि ये तो आपको काम पहले करना चाहिए था। इतनी हमें पूरी तरह से विश्वास है कि शाम को सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ पर मेन मार्केट में मशाल रैली का आयोजन किया। कहाँ से कहाँ तक आयोजित किया? ये जो आयोजन शाम को 6 बजे गांधी अपने भैरू चौक चौराहे से लगाकर मेहता पे होते हुए गांधी मूर्ति चौराहे तक जाए गई। और इसको लेकर जो जो ज्ञापन दिए गए हैं, उनमें जो बिंदु रखे हैं सुमेरपुर को जो जिला बनाओ, उसमें किन किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करके क्या क्या आपको लगता है कि क्या ये जिले बनाने में कौन कौन से अहम बिंदु हैं? दो चार बिंदु दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा। अगर मैं बात करूं तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा। मालूम इतने पर्याप्त और समुचित आधार है। सुमेरपुर ए क्लास, मतलब स्पेशल कैटेगरी की ए क्लास मंडी है, जहाँ पर करीबन यहाँ पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, राजसमंद, उदयपुर तक मतलब अनाज यहाँ तक आता है और यहाँ से अनाज का व्यापार होता है। अब हम बात करें राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवई बांध, जहाँ अपन अगर मान लो जवई नहर खंड की बात करें तो यहाँ करीबन 6 जिलों का सिंचाई विभाग का सबसे बड़ा कार्यालय है। अगर जिला स्तर से भी ऊपर बात मैं करूँ, यहाँ पर इतने बड़े बड़े कार्यालय हैं, फिर भी राजस्थान सरकार यहाँ की जनता की मांग को नज़रअंदाज कर रही है, जो यहाँ की जनता के साथ में घोर अन्याय हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेरपुर न्यूज़ से जुड़ने के लिए। आपका आभार। दोस्तों, सुमेरपुर न्यूज़